खबर 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। सुरसा क्षेत्र के अंतर्गत चौकी सेमरा चौराहा पर तैनात उप निरीक्षक अशोक कुमार, मुख्य आरसी विजय कुमार, आरसी मुकेश कुमार व आरसी रंजीत बहादुर को पुलिस अधीक्षक द्वारा नो एंट्री के दौरान अवैध वसूली की शिकायतों पर प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुए निलंबित कर दिया है। समस्त पुलिस चौकी स्टाफ को निलंबित करने के साथ ही विभागीय जाँच के आदेश भी दिए गए हैं। हरदोई कानपुर मुख्य मार्ग पर स्थित सेमरा चौराहे पर नो एंट्री के दौरान पैसे लेकर भारी वाहनों को निकाल दिया जाता था। इसकी शिकायत कई बार पुलिस अधीक्षक के पास भी की गई थी। थाना सुरसा क्षेत्र के चौकी सेमरा चौराहे में नो एंट्री के समय अवैध वसूली की शिकायत पर जांच में प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुए तत्काल प्रभाव से SI अशोक कुमार, हेड कांस्टेबल विजय सिंह, कांस्टेबल मुकेश व रंजीत बहादुर को SP महोदय द्वारा निलंबित किया गया है तथा प्रकरण में विस्तृत जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच के बाद जो भी तथ्य आएंगे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।